Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a brother of Ruhul Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear students, mathematics, class 8, exercise 1b and question number 7 is, if universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and set A is equal to 2, 4, 6 and 8. Students, universal set natural number है from 1 to 8 और set A जो है ये even numbers हैं from 2 to 8 और हमने find करना है A union A complement ये equal हो universal set के और A intersection A complement जो है ये equal हो empty set के तो students सबसे पहले हम find करेंगे A complement find करके फिर हम A complement का union लेंगे A से और students उसका answer universal set ही आ जाएगा और दूसरे पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे और उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए से और उसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट या 5 तो अब बच्चों हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और आपको ये पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि जब किसी भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देते हैं इसका फार्मूला है यूनिवर्सल सेट माइनस ए स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और इसमें से हमने माइनस करना है स्टूडेंट सेट A और उसकी एंट्रीज हैं 2, 4, 6 और 8 और अब बच्चों आपको बताया कि जब सेट का डिफरेंस लिया जाता है तो पहले सेट की वो एंट्रीज लिखी जाती हैं जो दूसरे सेट में ना हो जैसे 1 स्टूडेंट पहले सेट में है दूसरे में नहीं है तो हम 1 लिखेंगे लेकिन 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 सेकंड सेट में है फिर स्टूडेंट्स हम 3 लिखेंगे फिर 5 फिर 7 यानी कि 1 3 5 और 7 जो है बच्चों वो सेकंड सेट में नहीं है तो ये आंसर आया बच्चों हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो बच्चों मैं इधर लिखूंगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम सेट ए की एंट्रीज लिखेंगे वो है स्टूडेंट्स 2, 4, 6 और 8 यूनियन आगे हम ए कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज लिखेंगे वो है 1, 3, 5 और 7 और बच्चों हम इन दोनों का लेंगे यूनियन यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती है तो 1 नॉन कॉमन है 2 भी नॉन कॉमन है 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो ये बच्चों सारी एंट्रीज आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अब बच्चों आप यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो स्टूडेंट्स ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट के और लेफ्ट साइड पर हमने क्या साफ किया है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट तो स्टूडेंट्स जब हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा यूनिवर्सल सेट के सेकेंड पार्ट में बच्चों हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो ए से हम लिखेंगे ऐसे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो अब पहले हम लिखेंगे ए की एंट्रीज और ए की एंट्रीज है स्टूडेंट्स सेट ए की एंट्रीज है 2 4 6 और 8 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज है बच्चों 1 3 5 और 7 1, 3, 5 और 7 अब बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज तो इसमें दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं डिसजॉइंट सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जिनमें एक भी एंट्री कॉमन ना हो तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आएगा एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट को हम ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं या हम एम्प्टी सेट को ऐसे फाइव के फॉर्म में शो करेंगे दोनों में से कोई एक चीज लिखी जाएगी तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया है तो आज के लिए इतना ही काफी है मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे आमीन अल्लाह हाफिज़